हेलो दोस्तों, आइए आज बनाते हैं आलू गोभी गाजर और मूली की सब्ज़ी। आप यहाँ पर अपनी पसंद की कोई भी जाड़े की सब्ज़ी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए बनाते हैं। रेसिपी बहुत ही आसान है, बिना प्याज के ये तैयार की गई है और बहुत ही कम मसाले से तैयार की गई है। बहुत कम समय में, लगभग 14-15 मिनट में ये बनकर तैयार हो गई है। चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने 1/2 kg का एक फूलगोभी लिया है और 1/2 kg नया आलू का बड़ा टुकड़ा इस्तेमाल किया है। सरसों के तेल का इस्तेमाल किया है, जो कि मैंने 5 टेबल स्पून इस्तेमाल किया है। साथ में हींग और 5 फोड़न का तड़का लगाया है। इन सारी सब्जियों को कोई मेथड के थ्रू नहीं बना रहे हैं, बस इसे असेंबल करना है कुछ पाउडर मसाले के साथ और इसे गलाकर एक ड्राई सब्जी तैयार कर लेनी है। इस ड्राई सब्जी से जाड़े की सुबह में आप ब्रेड सैंडविच बना सकते हैं, जो कि टोस्टर में बनाना बहुत आसान होता है। साथ ही इसका चॉप बना सकते हैं और बर्गर में इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके मिक्सचर से आप मिक्स वेजिटेबल पकौड़ियाँ बना सकते हैं। तो कई तरीके हैं इसे इस्तेमाल करने के, इसीलिए मैं इसकी ढेर सारी सब्ज़ी एक बार बना लेती हूँ। तो यहाँ पर मैंने एक बड़ा सा टमाटर को छोटे टुकड़े में काट कर डाला है। यहाँ पर मैं डाल रही हूँ 1 टीस्पून लहसुन का पेस्ट, साथ में जाएगा 1 टीस्पून अदरक का पेस्ट, यहाँ पर मैंने 2 मिर्च तोड़ कर डाली है। आप अपने हिसाब से ज़्यादा या कम मिर्च का इस्तेमाल कर सकते हैं। 1/2 टीस्पून मैंने हल्दी पाउडर डाला है और 1 टीस्पून यहाँ पर मैंने धनिया पाउडर डाला है। 1/2 टीस्पून गरम मसाला पाउडर डाला है। साथ में हमने 1/2 टीस्पून ही इसमें मिर्च पाउडर भी इस्तेमाल किया है। सारे मसाले बढ़ा या घटा कर डाले जा सकते हैं, आपकी अपनी चॉइस है। मैंने यहाँ पर स्वाद अनुसार नमक डाला है, जो कि लगभग 1 टीस्पून है। यहाँ पर मैंने ढेर सारी चॉप कोरिएंडर लीव्स का इस्तेमाल किया है। आप इसमें मिंट लीव, नीमा, सोया और पालक के पत्ते भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बीच में मैंने मसाले को रखा है ताकि इसे हर थोड़ी देर पर कुचल कुचल कर पेस्ट सा बनाया जा सके। तो अब इन सारी चीज़ों को थोड़ी देर हमें पकने देना है। यहाँ पर फ्लेम लो है और लो फ्लेम पर ही ये सब्ज़ी पकाई जाएगी ताकि खूब अच्छी तरह से गल जाए। आप देख सकते हैं कि अभी सब्जियों में मसाले मिले नहीं हैं, क्योंकि मैंने मसाले को बीच में रखा हुआ है। इस तरह से सब्जियों को इकट्ठा करके दबा देने से इसका जो स्टीम है वो एस्केप नहीं करता है और सब्जी अपने ही गर्मी में, अपने ही स्टीम में बहुत अच्छी तरह से गल जाती है। अब सब्जी के गलने के लिए हमें इसमें पानी शामिल करना है, तो मैंने यहाँ पर 150 ml वाली कप से 1 कप पानी डाला है। आप अपने हिसाब से सब्जी को गला लें और लगभग 15 मिनट में सब्जी गल जाने वाली है। अब सब्जी को पकते हुए लगभग 12 मिनट वक्त गुजर चुका है, तो हम इसे चेक करके देखते हैं कि इसकी कंसिस्टेंसी कैसी है और यहीं पर चख के देखेंगे कि नमक मिर्च कैसा है, साथ ही ये सब्जी गली है या नहीं हम यहाँ पर चेक कर लेते हैं। पूरे टाइम फ्लेम धीमा ही रहा है और देखिए, आप देख सकते हैं कि आलू कितनी आसानी से कट रहा है और ये बिल्कुल गल कर मक्खन की तरह हो चुका है। गोभी भी बिल्कुल गल चुका है और इसमें जो करी है वो अभी पानी पानी सा दिख रहा है, तो ऐसा लगना स्वाभाविक है। अब इसमें हम फाइनल टच देते हैं और इसे बिल्कुल
मसालेदार सा दिखने के लिए इसमें कुछ मसाले हमें ऊपर से डालना है। अभी मैंने इसमें गरम मसाला यूज़ नहीं किया है, तो मैं यहाँ पर इस्तेमाल करूँगी होममेड किचन किंग मसाला। आप यहाँ पर गरम मसाला इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सब्ज़ी को बेहतरीन खुशबू देता है और बेहतरीन स्मेल इससे आती है। साथ ही यहाँ पर थोड़ा सा हींग पाउडर डालना है। आप हींग पाउडर रेसिपी की शुरुआत में फोड़न डालते समय भी डाल सकते थे, जहाँ पर हमने बघार लगाया था। अब इसे धीमी आंच पर देखिए, ये गोभी कितनी अच्छी तरह से गल चुका है। जाड़े की सब्जी इसी तरह से अच्छी लगती है। अब इसे खुली आंच पर थोड़ा सा भून जाने दें। अब सब्जी में थोड़ा क्रिस्पी ब्राउन कलर लाने के लिए हमने यहाँ पर फ्लेम को तेज किया है और ऊपर से फिर थोड़ी सी धनिया की पत्ती डाल दें। तो देखिए सब्जी का फाइनल रिजल्ट। मैंने सब्जी को पूरी कढ़ाई पर फैला दिया था ताकि ये अच्छा सा क्रिस्पी हो जाए। मैंने सब्जी बनाने के लिए थिक बॉटम आयरन स्केलेट इस्तेमाल किया है। ये है इसका फाइनल रिजल्ट। बिल्कुल पानी सूख चुका है और सब्जी हमारी गल चुकी है। तो इसे बनाएं, खाएं और खिलाएं, और अगर पसंद आए तो लाइक और शेयर करें। और जिन लोगों ने पहली बार हमारे चैनल को विजिट किया है वो हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें।